के लिए तो आपका मेन मकसद जिस राम रहीम की हमारा आपसे पूछने का मकसद है कि जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई, आज तक उनके बारे में किसी ने कुछ कोई आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन अचानक आप अखिल भारत हिंदू महासभा से हैं, आपका बहुत बड़ा नाम है और आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं उनकी रिहाई के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा इस देश की सबसे पुरानी संगठन है हिंदुओं का, जो कि देश की स्वतंत्रता के लिए और हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए और हिंदुओं के सम्मान के लिए हमेशा लड़ती रही। हिंदू महासभा हमेशा ही संतों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती रही। हम आगे भी हिंदू संतों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हुई, उनका अपमान हुआ, उनको जबरदस्ती उन पर मुकदमा ठोक दिया गया, हमने कड़ा विरोध किया और उस पर आंदोलन किया। उसी उद्देश्य के तहत संत राम रहीम जी को भी परेशान किया गया। वहाँ पर एक समय था कि नेता घुटने टेकते थे, फिर उन्हीं नेताओं ने षड्यंत्र करके इनको जेल भी भिजवा दिया। 134 तरह के सामाजिक कार्य राम रहीम जी कर रहे हैं, चाहे महिलाओं का, गरीबों का, शिक्षा की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था करना, ब्लड डोनेशन कराना, तरह तरह के 134 तरह के कार्य, सामाजिक कार्य इनकी संस्था के द्वारा किया जाता था। अब इतने महान आदमी और इतने अच्छे काम करने वाले, अचानक ये पता चला कि ये तो इनको अपराधी बना दिया गया, तरह तरह के मुकदमे इन पर ठोके गए। आखिर क्या था इनमें, ये इनका काम यही था रोज अपराध करना, ये तो समाज सेवा करने में व्यस्त थे, लोगों का कल्याण करने में व्यस्त थे। तो निश्चित रूप से इनके साथ षड्यंत्र हुआ था और जिसका हिंदू महासभा विरोध कर रही है, और ये जन अधिकार मोर्चा इसकी लड़ाई पहले से लड़ रही है। तो इन्होंने कहा कि ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं राम रहीम जी की रिहाई के लिए, हिंदू महासभा का समर्थन हमें दे दीजिए। तो हमने निर्णय लिया कि इनका समर्थन हिंदू महासभा करेगी और उसी उद्देश्य से हमने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इससे पहले कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई उनको रिगार्डिंग में? अब तक मूक दर्शक बनकर बैठी रही हिंदू महासभा, अचानक से उनके लिए आप आवाज उठाते, इसके पीछे कोई विशेष कारण? हिंदू महासभा कभी मूक दर्शक नहीं रही। हिंदू महासभा आप उसमें देख लेंगे सोशल मीडिया में कि हमने राम रहीम जी की रिहाई के लिए और उनको जो मुकदमे में फंसाया जा रहा था उसका बहुत विरोध किया था हम पहले भी।